काम का रोकना देवी। ये जाति के ब्राह्मण ध्यान से सुनना, शांति बना रखो माताओं। महाराज सुदामा शांति पर ये यहां पर विद्या अध्ययन करने के लिए जाते थे और वहीं पर कृष्ण भी विद्या अध्ययन करने के लिए जाते थे। तो सुदामा और कृष्ण में बड़ी गहरी सलाह थी, परम्परक्त थे। एक दिन की बात है, गुरु पत्नी बोली मोहन सो मेरे लाला तने के रहाओ, घर में की धन को नाम नाए कछु लाला सहारा बन जाओ। तो मोहन बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूं, है चतुर सुदामा संग मेरे संध्या तक लौटा आता हूं। सौ रुपए यश कुमार भैया फौजी इसी गांव से, कलश वाली कन्याओं को सम्मान करें और संत भगवानों को आराम से। और ये संजीव फौजी भैया भंडारे में दान दे रहे हैं 5100 रुपए और 200 रुपए से मुझे सम्मानित कर रहे हैं। और 50-50 रुपए शेखर वाली कन्याओं को और समस्त स्टाफ संत भगवान को। और 100 रुपए पंकज कुमार भैया श्यामपुर से कलश वाली कन्याओं को सम्मान करें, संत भगवानों को, समस्त स्टाफ को। 101 रुपए शिवम यादव भैया धर्मपुर से। और ये हमारे संजीव भैया जी फौजी, उनकी धर्मपत्नी और बेटी माला फूल रही है, भगवान से कामना करती हूँ गोविंद परिवार हमेशा सुख और संपत्ति बनी रहे, जो भी क्षण हम पूर्ण हो माँ भगवती का आशीर्वाद बना रहे, सदबुद्धि कृष्ण देते रहे, धर्म के कार्यों में सदैव अपने हाथ ही आगे को बढ़ाते रहे, यही गोविंद से कामना है। बोलिए कन्हैया लाल की। तो सुदामा को बुलायो, भगवान ने जवाब दियो, मां अगर घर में आज की धन की कमी है तो मैं जंगल में जा रहा हूं तोड़ के लाऊंगा। ये संजू यादव भैया, सुकेश यादव भैया प्रधान जी इसी गांव यार महिषे, पुत्र श्री राजवीर सिंह प्रधान जी ये 2100 रुपए भंडारे में दे रहे हैं, 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं मुझे और कलश वाली कन्याओं को, संत भगवानों को, समस्त स्टाफ को। एक से एक रुपए दलवीर सिंह भैया धर्मपुर से सम्मान करिए, प्रबंसी वाले समीक्षा आप करते रहे, सुख और संपत्ति प्रदान हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे विलास वाला कंचन। और ये दीदी जी नेहा अगला मनी से माला कर रही हैं, भगवान से कामना करती हूँ कन्हैया
यही इनके परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहे, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, जो इच्छाएं हो वो पूर्ण हो। माँ पार्वती भगवान भोले बाबा धन के भंडार परिवार में भरते रहे, यही गोविंद से कामना है। दादा गुरु मैया ने सुदामा को बुलायो और थोड़े से चना दिए। अब जरा ध्यान देंगे, ये जो चने हैं, ये चने विद्वान यहां तक कहते हैं कुछ लोग कि चना जो है वे सुदामा ने छुपाए के चले, छुपाए थे, चोरी से खाए। अब आपको बता दें कि चने जो है वो सुदामा ने चुपचाप क्यों चबे? और जेल नगरी में एक बूढ़ी माँ बेकार